Bye bye. Bye bye. Bye bye. Welcome to my new vlog. आज का जो vlog है, पहले मेरा vlog शुरू करने से पहले मेरा building देख लीजिए. अच्छा डला होने वाला है, shuttering almost complete हो गया है. ये है update. और अभी भी मुझे सब्सक्राइबर मिले थे, वो लोग रोइंग की ओर जा रहे हैं, एक बार उनको बाय कर देते हैं. बाय बाय. तो आज मेरा होने जा रहा है शूटिंग नए वीडियो का. मेरा टू वीडियोस ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो आने वाला है. एक शेरदुपेल लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी लैंग्वेज में होगा, जिसका शूटिंग आज से शुरू है. बट अनफॉर्चुनेटली वेदर ख़राब होने की वजह से पता नहीं कैसे कैसे होगा सब कुछ. बट स्टिल हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बजट भी थोड़ा टाइट है. तो ऐसा भी हम लोग पापा का जनरेटर भी उठा के जा रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा लाइटिंग चाहिए होगा, अंधेरा हो गया है इसलिए. और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है. बट हमें बस एक घंटा चाहिए, अभी बजे हैं 2, और इसमें से अगर बस एक घंटे के लिए भी बारिश रुक जाता तो हमारा काम हो जाएगा. गाइस, सिंस बॉनफायर का सीन हो रहा है, तो अभी मैं खरीद जा रहा हूँ टेंट बस इस म्यूज़िक वीडियो के लिए. बट इट्स ओके, मेरे फ्यूचर में तो मेरे काम ज़रूर आने वाला है. वैसे भी मेरा पुराना वाला टेंट तो वाटर प्रूफ भी नहीं था, एयर प्रूफ भी नहीं था, ठंड से मैं जमने वाला था जब मानिकाउ गया था, तो बेकार था. तो मैं नया ख़रीद लूँगा. और मैं अभी अपनी जो हमारे ब्लू अल्फा प्रोडक्शन जो मेरे वीडियो को बना रहे हैं उनसे मैं मिलवाना चाहूँगा. हेलो. हेलो. ये है कालिंग तालोंग, सबसे हैंडसम वाला. और ये सबसे क्यूट वाला कैनेडी पाजा. और ये हमारी दिखाएगा ना, अभी क्यों नहीं दिखाएगा, इरिटेट मत करना, एक्टिंग मत करना. नहीं, थंबनेल में आपका चेहरा आ ही रहा है. और जो मेरा म्यूजिक एल्बम जिसमें 2 गाना है, एक शेरदुपेन और हिंदी, उसका दोनों का हीरोइन, हीरो तो मैं ही हूँ दोनों का, और हीरोइन ये होगी मिस मामू हिबो. तो कैसा लग रहा है आपका, आपका भी पहला एक्सपीरियंस है क्या? हाँ. कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमको पता है. हमको भी पता है. तो यहाँ पे टेंट वाला जगह आ गया है, तो मौसम अभी भी साथ नहीं दे रहा, हमें बस एक घंटे चाहिए, बारिश रुक जाओ यार एक घंटे के लिए कम से कम. और बाकी जो सीन है ना वो शाम का सीन है. तो यहाँ से टेंट ले लेते हैं. तो गाइस, हम लेने आए थे टेंट, बट हमने ये ले लिया अपने रेस्टोरेंट के लिए. तो अभी टेंट कहाँ से लेने जाएगा? फंडा मार्केट. ओके चलो. तो गाइस, अभी 2:30 हो रहा है, तो अभी हम काफ़ी लेट हैं, सामान लेने में बिजी है. बट स्टिल बारिश भी हो रही है, तो अगर हम सामान लेके रेस्ट भी करेंगे तब भी मुश्किल ही लग रहा है आज का वीडियो शूट होना. बट स्टिल विल ट्राई आवर बेस्ट. इट्स अ चैलेंज. हाँ, इट्स अ चैलेंज. तो गाइस, मौसम तो साफ नहीं हुआ बट बारिश रुक गया है अभी. तो अभी शूटिंग के लिए चलते हैं. और ये पासीघाट का मार्केट काफ़ी खूबसूरत. और यस, मैं बताना भूल गया, हमारा पासीघाट में बस थोड़ा सा सीन शूट होगा, और रात को एक सीन है, तो इसलिए हमने आज जैसे भी करके शूटिंग करने का सोचा. और हमारा मेन शूटिंग 0 में होगा कल. हम सभी को लेके 0 लेके जा रहे हैं. इतना हैंडसम है तुम दोनों. किचुआ, लिजर्ड हुआ, सब कुछ हुआ. तो फाइनली एक अच्छे क्वालिटी का टेंट ले लिया. 3,800 में लिया. वेट करता हूँ कि आगे भी ये मेरा साथ देगा. तो गाइस, ये हमारा फर्स्ट लोकेशन होगा, और देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत. सिंस हम पासीघाट में शूट कर रहे हैं हमारा पहला लोकेशन को, एक्चुअली ये शायद गाने के मिडिल हाफ में आएगा थोड़ा. तो हमारे पासीघाट में शूट कर रहे हैं, तो सियांग नदी का तो आना बनता है, और बाकी सब 0 में होगा. आपको लोकेशन कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है. आपको आपको फर्स्ट टाइम है क्या? किसको सताया था पहली बार? कोई तो था. और गाइस, मैं सामान दिखाता हूँ आप लोगों को. हाँ हाँ, तो जो लकड़ी है, हम एक्चुअली बॉनफायर का सीन करने वाले, इसलिए लकड़ी लिया हमने, और फ्रूट्स लिया ताकि थोड़ा पिकनिक वाला वाइब्स आए, और गिटार लिया जो कि मुझे बजाना अच्छा आता नहीं है बट मैं एक्टिंग करूँगा वीडियो के लिए, जनरेटर लिया, और बाकी इनका सामान है कैमरा वगैरह. और वो वहाँ पे कैनेडी सुसु करते हुए, वो कैनेडी सुसु करते हुए गालिंग भी सुसु करने जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने कैमरा ऑन किया वो वापस आ गया. वो हम ही तो लगाया था एक अच्छी लोग को, सच में उसको 10 साल पहले लगाया था, अभी जाके तब जाके इतना बड़ा हुआ है. वो बोगरी कच्ची को बोल रहे ना, वो बोगरी खाओ ना, वो देखो सब उसमें लेंजिंग का टॉयलेट क्या था ना आगे. वहां से वो सब गस बड़ा बड़ा गोटी छोरा तो इसने वो निकाल लिया लेंजिंग का. तेरा पल्प लुक है, मैनियर का काम किया है ना. अच्छा ना, तो कैसे बोगरी क्या क्या बोलते उसको इंग्लिश में? मलबेरी बोलता था, कोलाबेरी क्या था. और मजाक की बात तो बहुत हो गई गाइस, प्लीज़ आप लोग ऐसा गंदा ना करें.
यार एटलीस्ट आप लोग अपना कचरा साथ में ले जाओ या तो अच्छे से कहीं जला दो, कुछ तो करो यार। और यार किसी ने तो डिजिनेट ऑर्गेनाइज करवाया था, आप देख सकते हो। देखो ये सब देखो, ऐसा एटलीस्ट कुछ ऑर्गेनाइज करवाना है, बर्थडे पार्टी करना है, तो अगर आपको बाहर करना है तो गंदा करके मत जाओ। इसलिए तो बाद में क्या होता है कि फाइन वाइन लगा देते हैं, हमारी वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए प्लीज़ ये काम मत करो आप लोग, नहीं तो हम आके मारेगा क्या। हाँ ओ सिगरेट, ओ ऐसा मत पियो ना, हेल्थ हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो तुम बताना जरूरी नहीं। तो गाइस कैमरामैन भी अभी रेडी, और ये हमारा आग जल के रेडी, कारपेट भी रेडी, फ्रूट्स भी रेडी, कोका कोला भी रेडी, और वहाँ पे चिकन भी रेडी हो जाएगा, और टेंट भी रेडी। और लोकेशन दिखने में कुछ ऐसा वैसा। अभी हम आ गए हैं OCB ओमन कंट्री बार में। ऐसा तो हमारा जो बॉनफायर वाला सीन था, भीग भीग के हमने कर लिया है, क्योंकि फिर शेड्यूल टाइट हो रहा था ना। और हमारे जो गाना का जो बॉस है, गाना मैंने गाया है और इन्होंने रैप वाला पार्ट गाया है, और कंपोज और लिरिक्स भी इन्होंने लिखा है। तो ये अभी आ गए हैं, अभी हम लोग साथ में मिलकर शूट करेंगे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इस गाने में, और प्रोड्यूस मैंने किया है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, कैमरामैन ब्लू अल्फा प्रोडक्शन है, हीरोइन मामूंग है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एकदम, बहुत बहुत पहले लिखा हुआ गाना था, तो अभी फिर फाइनली उसको एक्सपोजर मिलने जा रहा है, एक्सपोजर मिलने जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसे क्या चाहिए। और जो ये बार है वो कमाल का हैपनिंग जगह है, मतलब आप चिल कर सकते हो आराम से, बहुत ही बेहतरीन जगह है चिल करने के लिए। और यहाँ पे मुझे म्यूजिक सिस्टम की ज़रूरत थी, कि जहाँ पे एक बार या फिर कोई भी ऐसा स्टेज जहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम होगा, जहाँ पे मैं गा पाऊँगा और उसमें ताशी का सीन रिकॉर्ड होगा, तो वो जगह मुझे चाहिए था। तो इस बार के जो ऑनर है टोनी सारो ने मुझे अलाउ किया, परमिशन दिया, तो आपको थैंक यू सो मच, एंड बहुत बड़ा शाउट आउट OCB बार को जो कि पासीघाट में है। और गाइस ये हमने नकली वाला वाइन बना लिया है, इसमें जो मीठा वाला स्वीटनर डाला है और कलर के साथ आता है, बस इसमें पानी है। चीयर्स। ओ हीरो, एकदम हीरो लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट डे ऑफ माय व्लॉग। सिंस मामूंग और कलंग भैया को उल्टी लगता है, तो दोनों भी जा रहे हैं साथ में, लेकिन दोनों आगे बैठे हुए हैं। और ये हमारे शिवा, मिस्टर शिवा ने ज्वाइन किया हमारे, और हेनली बासन, हेलो। और कालिंग से तो आप मिल ही चुके हो, तो ये लोग ड्रोन उड़ाएंगे, और अभी हम लेने आए हैं लंतम को। हेलो कहाँ पीछे बनने, नहीं पीछे नहीं, आगे पीछे जगह नहीं, आगे बैठा। इसको पकड़ दो, मैं तेरा रंग करूँ। लंतम जीरो में तुम्हारा शादी कराने ले जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको बदबू नहीं आ रहा लंतम, इतना गंदा लंतम। कितना दिन से नहीं नहाया तुम? भूल गया, भूल गया, मतलब बहुत दिन हो गया। दो दिन झूठ बोल रहे, इधर देख चेहरा, इधर देखा था, झूठ बोल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं हमें बाहर में, टॉयलेट का बाहर में? लंतम के लिए वेट कर रहा है। लंतम क्या हो गया, चेटिंग कर रहा है? अच्छे से करो। हाँ होगा, कैसा लगा लंदन, कैसा था? चलो गाड़ी में जा, नाक सफा करो। तो अभी गाइस हम लोग किमिन में है, पहुंचने वाले हैं जीरो में, तो अभी आज रात तो शूटिंग नहीं हो पाएगा, तो कल हम शूटिंग करेंगे, कल देखते हैं। अगर लंतम को लेके आएंगे तो बच्चों का सीन भी शूट कर देते हैं, बच्चे को भी इंक्लूड कर सकते हैं वीडियो में, प्यारा लगेगा। वेलकम टू द नेक्स्ट डे। तो गाइस सेम सिचुएशन हो गया जो मेरे साथ आलो और मेचुका जाते वक्त हुआ था, सेम रास्ता ब्लॉक। मुझे पता नहीं था यहाँ पे भी रास्ता ब्लॉक होता है करके, तो यहाँ पे भी रास्ता ब्लॉक हुआ, तो फाइनली हम जीरो पहुँच गए हैं। कल जैसे तैसे करके हमने डैम साइड से घूम के हम आए, मतलब परमिशन लेके जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके हम आए। उसके बाद रात को 2:30 को पहुँचे हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और आज हम लोग सुबह उठ गए हैं, रेडी है, बट जोश जोश वैसा का वैसा ही है ना, है ना, है ना। How's the Josh? Yes, sir. Hi, sir. Very high. Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. And then how's the Josh? Hi, sir. Hi, sir. Yes, sir. So, guys, zero का view कुछ ऐसा है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश है, आप देख सकते हो। तो देखना पड़ेगा हमारा आज वीडियो कैसा होता है। मतलब जीरो में बारिश होता है, बट हल्का हल्का ड्रॉपलेट टाइप का होता है, भर नहीं होता है ना विंटर के टाइम में, तो इसीलिए कल रात को तो जोर से हुआ था। हम लोग अपने पहले
पहले लोकेशन में पहुंच गए हैं सी लेक, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट वीडियो का एक मिनट शूट होगा। वाह इतना सारा आदमी है क्या आज पूरा येलो जमा। तो गाइस ये जीरो का मेरा सबसे फेवरेट एंड खूबसूरत जगह सी लेक, जहाँ पे हेलो हेलो, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू माय व्लॉग। चलो चलो, तो मुझे मेरा सब्सक्राइबर्स मिल गए थे जो कि जीरो से हैं, और एक जीरो से और बाकी लिखा पाले से है। और ये मैं कह रहा था कि ये मेरा सबसे फेवरेट जगह है, और फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि एक तो खूबसूरत है, प्लस जो इसका टिकट है ना वो भी बहुत कम है। टिकट का प्राइस है, पार्किंग का चार्जेस है 20 रुपया, और पर पर्सन का है 20 रुपया, तो काफ़ी अच्छा है। एंट्री फी पर पर्सन 20 रुपीज़ एंड पार्किंग 20 रुपीज़, जबकि सिखे लेग में 50 रुपीज़ होता है, तो काफ़ी बेटर है। तो इस खूबसूरत से लोकेशन में हम अभी शूट करेंगे। नंदम टोपी को पहन के दिखा तुम्हारा वाला, वाह लंता में ऐसा दिखते हुए। और ये हीरोइन ऐसा दिखते हुए नीचे तक दिखाना गले को ऐसा शूट करेगा ना आज तो ना। और हमारी लोकेशन हमारा शूटिंग हो गया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं हीरोइन से एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा, कैसा था आप दोनों का एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ज्यादा खराब। कैसा खराब? बहुत एक्साइटेड था शुरू में, लेकिन क्या हो गया? लेकिन क्या हो गया कि मौसम साथ नहीं दे रहा और हम मरने लगा, ठंडा सा ना, मरते मरते बच गया, मेरा हालत खराब हो रहा है अभी। गाइस एक्चुअली बहुत ठंड है, तो आप देख सकते हो कि हाथ भी एकदम लाल लाल हो गया है ना, तो ठंड के ऊपर से बारिश और बारिश के ऊपर से ऐसा सीन जिसमें हमें मतलब बस शर्ट पहन के शूट करना पड़ेगा, जैकेट नहीं पहन सकते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड था। लंतम लंतम, तुम्हारा फर्स्ट बोटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था, मजा लगा है? अमू भाई चला ना, तुम चला है? बहुत दूर तक घूम के आया इधर। और कैसा लगा है? उस वाले घर में हमने घर रिजॉर्ट जैसा लोकेशन शूट कर दिया, एक्चुअली वो बस वरांडा था, बाद में शायद रिजॉर्ट बनेगा, रूम बनेगा शायद, तो हमने उसी को रूम बना लिया अपने वीडियो के लिए, और उस वजह से हमारा समय बच गया। और इस लोकेशन को आप देख सकते हो, सी लेक, आप लोग जरूर घूमने आइएगा, फ्री में प्रमोशन कर दे रहा हूँ क्योंकि काफी रीजनेबल है ये जगह। पार्किंग 10 रुपीज, मैंने पहले गलत कहा था, पार्किंग 10 रुपीज एंड पर पर्सन 20 रुपीज। हमने इवनिंग ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, और हमारा आज का जो फर्स्ट वाला जो म्यूजिक एल्बम था जो शेयर द पेन लैंग्वेज में, वो वाला कंप्लीट हो गया शूटिंग फाइनली, और कल हम लोग दूसरे सॉन्ग का करेंगे, और कुछ बच्चे भी इंक्लूडेड हैं उस सॉन्ग में, तो थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद व्लॉग उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, आप लोग देखते रहना। एकदम हो गया, चलो क्या खाया था? चलो वैसे गांधी जी एकदम ट्राइबल लग रहा है, अरुणाचली लग रहा है, अब पता नहीं गांधी जी। पेंगो उकु कैसा है? ठीक है, अभी आप लोग क्या करेगा? हाँ डांस ना, तो ये सभी हमारे चिलर पार्टी लोग। हेलो तुतू, हाय उनु पुनु, क्या करेगा अभी हम लोग? डांस ना, तू तो सबसे अच्छा डांसर है, हम हमको पता है। तो कैसे बच्चों का सीन है, तो बच्चों को डांस तब सिखाया जा रहा है, आज हमारा शूट का सेकंड लास्ट डे है। चलो चलो चलो, लंतम एकदम से भी छोटा है कोई दुनिया में, ये इन दोनों को देख सकते हो, ये दोनों छोटा है का है, ये दोनों। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द कॉर्पोरेशन, थैंक यू, बाय बाय उको, बाय 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 बाय, अच्छे से ड्रॉप करके आना बच्चों को। और ये सब मैं बना रहा हूँ चिकन अपने टीम के लिए, जो हमारा वीडियो बना रहे सभी के लिए, बेसिकली आपको देख के बताना कि टेस्टी लग रहा है ना नहीं लग रहा है। कोरियन लग रहा है ये तो, पूरा कोरियन। नखरे देखो,
तो गाइस काफी मशक्कत करने के बाद हमारा जो दो म्यूजिक वीडियो है, एक शेरदुकपेन लैंग्वेज में और एक हिंदी लैंग्वेज में, जो कि रिलीज होगा 1 से 5 जन के बीच में, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आप लोग को 1 से लेके 5 जनवरी के बीच में देखने को मिल जाएगा। फाइनली शूट इज ओवर। बहुत अच्छा लग रहा है। दो मेरा गाना ऑफिशियल सॉन्ग आने वाला, आप लोग सपोर्ट करना और रेडी रहना गाने के लिए। तो फाइनली गाइस, पैक अप। ये मेकअप।